हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया के सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ रेलवे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें स्मार्टनों के चैनल के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब भी रेलवे से कोई भी नई अपडेट आती है तो हम उसकी अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन जो है खुल चुका है, 1.0 जो स्टार्ट भी हो चुका है काफ़ी राज्यों में। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी जगह पर जो है सब कुछ दुकानें खोली जा रही, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे आपके सिनेमा हॉल्स हो, चाहे होटल्स हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, सब कुछ जो है खोला जा रहा है एक बार फिर से जो है आर्थिक व्यवस्था से। जी हाँ दोस्तों, जो आर्थिक दृष्टि से जो भारत कमजोर हो रहा था उसे जो है फिर से एक बार पटरी पे दौड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी बीच दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, निसर्ग तूफान, जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा निसर्ग साइक्लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें टीवी पर बहुत छाया हुआ है। इसकी वजह यह दोस्तों, ये अरब सागर, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि अरब सागर में जो है ये तूफान जो है देखने को मिला है, जिसकी वजह से काफी, जी हाँ दोस्तों, भारत के तटीय इलाकों में काफी खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ महीनों पहले दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिला होगा कितना भारी तबाही जो है इस प्रकार की आई थी। यही जो है कम से कम 126 साल के बाद, जी हां दोस्तों, 126 साल के बाद मुंबई जैसे शहर में, जी हां दोस्तों, मुंबई शहर में जैसे शहरों में जो है 6 फीट लंबी लहरें जो है देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, ये साइक्लोन जो है बहुत तेजी से तरफ जो है बढ़ रहा है मुंबई की तरफ। और साथ ही दोस्तों, आज मैं बता दूं, इसी की वजह से, जी हां दोस्तों, ट्रेनों को लेकर हो रही है आवागमन। जी हां दोस्तों, ट्रेनों को क्या हो रहा है, ट्रेनों को किया जा रहा है रद्द। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही कि निसर्ग तूफान से जो है सब कुछ जो है तबाह हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक सुनामी की तरह होता है ये साइक्लोन, जो सब कुछ अपने सामने आने वाली सभी चीजें, बिल्डिंग्स वगैरह, बोर्ड्स वगैरह, सब कुछ तोड़ फोड़ देती है। तो इसी वजह से, जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीजों को जो है काफी जो है वरीयता दी गई है, यानी कि सेफ्टी के लिए, यानी आप सबकी सुरक्षा के लिए सरकार ने फैसला किया है कि 2 दिन और ट्रेन जो है बंद रहेगी। तो हाँ दोस्तों, आपको 2 दिनों के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी, कोई भी आपकी जो है लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेंगे। लेकिन 5 जून के बाद, जी हाँ दोस्तों, ये जो साइक्लोन, इसका खतरा सिर्फ 2 दिन है, 3 और 4 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, 3 और 4 जून के बाद इसका जो है खतरा कम हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड अभी मैं बता रहा हूं आपको, जो न्यूज के माध्यम से जो आप सभी को पता चल रहा होगा, जी हां दोस्तों, तो इसकी स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर घंटे के आसपास है। जी हां दोस्तों, 120 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई चीज आ जाए, कोई हवा या कोई पानी आपके सामने आता, तो आप समझ सकते हैं वो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। जिसकी वजह से समुद्री तटों पर जितने भी इलाके हैं, जैसे कि मुंबई, पनवेल, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ गुजरात की साइड में हम आते हैं, गुजरात में देखिए, गुजरात के काफी इलाके हैं जो इसके खतरे में है। और साथ ही दीव दमन भी, जी हाँ दोस्तों, दीव दमन के बीच पर भी काफी ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। बात करें अगर सबसे ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, किस इलाके में जो है इसका टकराव होने की संभावना है, तो वो इलाका है अलीबाग। जी हाँ दोस्तों, ये मुंबई से कुछ ही दूर पर है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूर पर है। अगर अलीबाग में ये जो तूफान है वहां पर टकराता है तटीय इलाकों से, तो काफी भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया। तो आप सभी लोग जिन्होंने भी कमेंट कर रहे थे, जिनको भी जाना है, जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो के नीचे कमेंट करके मैं बता सकते हैं, क्योंकि सभी ट्रेनें जो तटीय इलाकों में छठे राज्य है, सिर्फ उन्हीं कई जगह पे कैंसिल की गई, बाकी राज्यों में ट्रेनें चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, लेकिन जो ट्रेनें यहां पर आने वाली है, यानी कि इन तटीय इलाकों से होकर गुजरने वाली है या यहां से छूटने वाली, उन तमाम ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी की बता दो, अगर आपको जानना है आप किस राज्य में जाना चाहते हैं, आपकी कौन सी स्पेशल ट्रेन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको पूरा डेटा जो है दे देंगे कमेंट के सेक्शन में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। काफी लोगों के पास ये जानकारी नहीं पहुंची होगी, तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे।